नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद साथियों। आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना। आज स्वतंत्रता दिवस है, उसकी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी को, है ना। स्वतंत्रता दिवस की सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी लोग अपने अपने घरों में जहाँ जहाँ झंडा फहराने का है वहाँ फहराइए, क्योंकि अब झंडे में पाबंदियाँ समाप्त हो गई हैं, है ना। तो देशभक्ति दिखाने का सबके पास मौका है, देशभक्ति दिखाइए, पढ़ाई करिए, ताकि एक दिन आप भी किसी कार्यालय में झंडा फहरा सकें, है ना। ये आपको सौभाग्य प्राप्त हो कि आप किसी कार्यालय में झंडा फहराएं, ऐसा एक सपना अपने मन में हमेशा बना के रखेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए तो हम आज की शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। चलिए तो आप जैसा कि देख रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी बच्चों को, ठीक है। कुछ पंक्तियां मैं बोलूंगा जो मुझे बहुत इंस्पायर करी, मुझे उनसे एक प्रेरणा मिली, उन पंक्तियों को मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा, ताकि आप लोगों के मन में भी ऐसे विचार आए, अपने आप को आप गौरवान्वित महसूस करें कि हम उस भारत देश की धरती में जन्म लिया है जहां पर वीरों ने, है ना, क्या वीरों ने बच्चे इतना बलिदान देके आपको एक सुरक्षित भारत में रहने के लिए, भारत में रहने के लिए एक भूमि दी है, है ना। और हमेशा एक चीज याद रखना, भारत कोई भूमि का टुकड़ा बिल्कुल नहीं है, ऐसा एक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था एक पंक्ति में, आप लोगों के सामने इसको बोलूंगा, इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा इस पंक्ति को। क्या कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है। क्या है बच्चे, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता महापुरुष है। भारत क्या है, एक जीता जागता राष्ट्रपुरुष है। ये बंधन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, है ना। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है, है ना। ऐसे ही हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी अगर हमारी अस्थियों को कोई गंगा जल में कान लगाकर सुनेगा तो वहां से एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दें और शेयर कर दीजिए, है ना। सर आपको भी जय हिंद, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों जय हिंद सभी को, सभी एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे आ सकें। तो इस पंक्ति को आप लोग याद रखेंगे, हमेशा बोलते रहें। एक बार फिर बोल देता हूं आपके लिए कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्रपुरुष है, ठीक है। कभी भारत को ऐसा नहीं समझना कि भारत भूमि का टुकड़ा है, भारत हमारी जान है, यहां पर बसता है भारत, ठीक है, भारत हमारी जान है। ये क्या है बच्चे, बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है। यहाँ की जो नदी नदी है हमारे लिए गंगा के समान है, है ना। भारत में कितनी नदियां प्रवाहित होती हैं आप लोगों ने जरूर जीके में पढ़ा होगा। तो यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है, है ना। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी अगर गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उससे एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। सभी लोग कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखेंगे और शेयर कर दीजिए। फिर हम आज का करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करते हैं। पानी भी गिर रहा था बच्चे, उसके बाद भी करंट अफेयर्स हमने नहीं छोड़ा है, क्योंकि भारत देश में आपने देखा नहीं है, बॉर्डर में सैनिकों को देखिए कभी, वहां नहीं जा सकते हैं तो न्यूज में देख लीजिए, ठंडी गर्मी बरसात माइनस डिग्री सेल्सियस में जब रहता है तब भी वह देश की सेवा में वहां पर खड़े रहते हैं। तो आप पानी गिरते में नहीं आ सकते क्या, हाँ सुबह उठ नहीं सकते आप एक घंटे के लिए, जल्दी एक घंटे पहले उठ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब देश के वीर वहां पर तुम्हारी रक्षा के लिए खड़े हैं हरदम, तो आप लोगों को भी वहां खड़े रहने में, आज यहां पढ़ने में, बैठ के पढ़ने में क्या तकलीफ है बताइए, कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, ऐसी मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों से। तो हम बात करें अब कि
हमको कब आज़ादी मिली थी? 15 अगस्त 1947 को, है ना, भारत आज़ाद हुआ था। अब बात करें कि भारत की आज़ादी के समय भारत में संविधान नहीं था बच्चे, तो भारत में क्या था? प्रधानमंत्री भारत का सर्वोच्च होता था, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ मेरे दिमाग में रही है कि भारत देश के प्रति अपने आप को एक ऋणी समझता हूँ मैं, कि मैं ऋणी हूँ इस भारत माता की धरती का, इसका मुझे कर्ज चुकाना है। तो ऐसा आपके मन में भी रहना चाहिए कि हम कैसे भारत माँ का कर्ज चुका सकें। तो आप एक अच्छी तैयारी करके किसी कार्यालय में अधिकारी या कहीं भी भारत देश की सेवा में, जनता की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करके ये कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करें कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में झंडा फहराने की, है ना, सारी चीज़ें तो आप लोगों को बहुत सभी बता देते होंगे न्यूज़ में यहाँ वहाँ। मेरा काम है आपको अच्छी चीज़ों को बताने का, ताकि आप लोग अच्छा ग्रहण कर सकें और अपने जीवन में हमेशा प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकें, है ना। चलिए, तो बच्चे 15 अगस्त में झंडा कहाँ फहराया जाता है? लाल किला में। इनमें अंतर समझिएगा, लाल किला में झंडा कौन फहराता है? प्रधानमंत्री हमारे झंडा फहराते हैं, है ना। वैसे ही 26 जनवरी में बच्चे राजपथ में झंडा फहराया जाता है, ना कि लाल किले में। और 26 जनवरी के दिन कौन? राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। जो हम 15 अगस्त के दिन झंडा फहराते बच्चे, उसे ध्वजारोहण कहते हैं। क्या कहेंगे? ध्वजारोहण। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत को उस समय आज़ादी मिली थी, तो झंडा को जो है ना बच्चे नीचे रहता है, वो उसको रस्सी से खींच के ऊपर ले जाया जाता है, फिर झंडा फहराया जाता है, ठीक है। और 26 जनवरी के दिन झंडा ऊपर ही रहता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 15 अगस्त को जब भारत आज़ाद हुआ था, तो भारत के प्रधानमंत्री जो थे, भारत के सर्वोच्च कहलाते थे, ठीक है। आप लोगों ने संविधान में पढ़ा होगा कि भारत का प्रथम व्यक्ति या सर्वोच्च व्यक्ति जो होता है वह राष्ट्रपति होता है ना। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन सारे कामकाज प्रधानमंत्री के द्वारा होते हैं, ठीक है। तो 15 अगस्त को राष्ट्रपति झंडा तभी से फहराते आ रहे हैं। फिर 26 जनवरी को जब हमारा संविधान बन गया, तो संविधान सभा ने राष्ट्रपति को नियुक्त किया था, है ना। तो संविधान सभा के अनुसार राष्ट्रपति बने, इसीलिए 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग जैसे कि रक्षाबंधन, दिवाली सारे त्यौहार मनाते हैं, वैसे ही इस त्यौहार को भी मनाएं। ये देश का हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसमें अपना सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हम इस देश की धरती में जन्म लिए हैं, है ना। पावन भूमि है बच्चे, पूरे विश्व में आप देखते होंगे सिर्फ भारत एक ऐसी जगह है जहां भगवानों ने जन्म लिया है ना। और श्री राम भगवान, कृष्ण भगवान, सारे भगवानों ने कहां जन्म लिया है? इस भारत की पावन धरती पर। तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि हम उस देश की धरती में जन्म लिए हैं जहां भगवानों ने जन्म लिया है, ठीक है। चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं। कैसा रहने वाला है हमारा आज का सेशन? तो जैसा कि डेली रहता है, एमसीक्यू सीरीज में हम पुराने क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं। जी बिल्कुल, जानकारी देने के लिए ही आपको यहाँ पर आते हैं, ठीक है। इसलिए जानकारी को ग्रहण करने का बहुत कष्ट ना करें, बस बैठे बैठे इसको ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि जानकारी इकट्ठा करने में भी बहुत मेहनत लगती है। और आप लोग तो घर में बैठ के वो कर रहे हैं, बाहर एक बार जब भी उठने का मन ना करे तो सोचें कि उस देश की सीमा पर जो वीर खड़े हैं वो कैसे खड़े होंगे। आप लोग भी इतना सोच के सुबह उठ तो सकते ही हैं ना। चलिए, तो एमसीक्यू सीरीज में हमारा रिवीजन होगा, उसके बाद मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है, उसके बाद क्या है बच्चे, उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर। तो हम शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। तिरंगा झंडा हमारा, इसमें 24 तीलियां होती हैं, सभी लोग याद रखेंगे। पिछले बार रेलवे ग्रुप डी में ऐसा एग्जाम में पूछा गया था कि तिरंगे झंडे में कितनी तीलियां होती हैं। सोचिए, इतना बेसिक क्वेश्चन है, किसने गलत करके आया होगा, है ना। चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं एमसीक्यू सीरीज में। सभी क्वेश्चनों के आंसर बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन तो रहते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते हैं। आंसर दीजिए, पढ़ लीजिए, मैं बार बार आपसे यही बोल।
कि हाल ही में दो बहनें देवयानी और शिवरंजनी द्वारा लिखित सरस्वती राजामणि एक भूली बिसरी जासूस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे सभी बच्चे कि हाल ही में दो बहनें हैं देवयानी और शिवरंजनी, इनसे सीखिए। 10 साल की एज में इन्होंने एक पुस्तक लिख दी। और सरस्वती जो राजामणि है ना, ये जासूस थीं, बहुत कम उम्र में ये जासूस बन गई थीं और भारत की स्वतंत्रता में इन्होंने भी खूब योगदान दिया है। आजाद हिंद फौज में ये जासूस थीं, है ना बच्चे? चलिए इसका आंसर दें सभी लोग। बहुत बढ़िया सीमा धाकड़ जी, आंसर दीजिए सभी। रिवीजन करके नहीं आए हैं आप लोग क्या? शुभम बघेल, जय हिंद सभी को। शिव पूजन सिरोहिया जी, जितेंद्र बघेल जी, सतपाल बघेल जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। बहुत बढ़िया शिव पूजन सिरोहिया जी, आप लोग भी बताइए। बहुत बढ़िया शिवराज सिंह चौहान जी, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मामा जिसे आप कहते हैं, ठीक है, इनसे भी विनती है कि आपके लिए वैकेंसियां जल्दी से जल्दी निकालें। चलिए तो हमारा इसका आंसर आएगा बच्चे, क्या आएगा? शिवराज सिंह चौहान इसका हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी आंसर दें सभी लोग, है ना? जितेंद्र कुमार बघेल जी, सभी के आंसर सही हैं। बात करें वर्तमान में भारत और मध्य प्रदेश में रामसर साइटों की संख्या कितनी है, क्रमशः है, बताएंगे आप लोग? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बार बार आप लोगों से यही कहता हूं कि इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना, क्योंकि आजादी के 75 वर्ष जो हो गए हैं ना, उसके ही उपलक्ष में क्या हुआ है, 11 और रामसर साइटों को जोड़ दिया गया है। तो जल्दी से बताएंगे कि 75 तो मैंने बता दिया आपको, बताइए कि मध्य प्रदेश में कितनी है, आप भी बताएं ऑफलाइन वाले। बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर दें कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बताइए जल्दी से। सीमा धाकड़ जी, शिव पूजन शिलोहरिया जी, नीलम यादव जी, उमा लोधी जी, सासुरा अब नहीं कटेगी वॉइस, ठीक है, अब नहीं कटेगी। अब आ रही है वॉइस, बताएं कमेंट बॉक्स में, वॉइस आ रही है बच्चे? कमेंट बॉक्स में बताइए कि वॉइस आ रही है क्या नहीं। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, 75 और 4 होगा, है ना, 75 और 4। मध्य प्रदेश में कितनी है, 4 हैं। कौन कौन सी हैं बच्चे बताएं? जब हमने 1 अगस्त को करंट अफेयर्स शुरुआत की थी, उस समय भारत में कितनी थी, 49 थी शायद, है ना। उसके बाद कितनी हो गई, 5 ऐड हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर कितनी ऐड हुई बच्चे, 10 ऐड हुई, फिर कितनी हुई, 11 ऐड हुई, ठीक है। अब कितनी हो गई हैं, 75 हो गई हैं।
जब 75 हो गई तो भारत आजादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष के उपलक्ष में मना रहा है, तो आप लोग इससे इसको याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी हैं बच्चे? बहुत पहले हुआ करती थी भोपाल का जो भोजपुर तालाब है ना, भोपाल का भोजपुर तालाब, और फिर दशकों तक कोई भी नहीं रहा। उसके बाद क्या आया बच्चे? शांख सागर झील जो शिवपुरी में है वह है ना, शांख सागर झील शिवपुरी में है, उसको रामसर साइट में शामिल किया गया। उसके बाद क्या हुआ? सिरपुर तालाब को किया गया। उसके बाद किसको किया गया बच्चे? यशवंत सागर झील है ना, ये दोनों कहाँ हैं? इंदौर में हैं, ठीक है, यशवंत सागर, ठीक है, तो इनका नाम आप जरूर याद रखेंगे। दो इंदौर एक, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को, सीमा धाकड़ जी, शिवानी विश्वकर्मा जी, नीलम यादव जी, सभी के आंसर सही हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चेन्नई में भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन का रोशनी का शुभारंभ किया है। बताएं केंद्रीय गृह मंत्री ने कहां पर भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी का शुभारंभ किया है? इसका आंसर देंगे सभी बच्चे। सीमा धाकड़ जी, बहुत बढ़िया, आपका आंसर है। पवन कुमार सेन जी का नहीं है। शिवपूजन सिलोहिया जी चेन्नई, नीलम यादव जी, सभी के आंसर सही हैं। रिवीजन करके आइए, बार बार बोल रहा हूँ, रिवीजन करके आइए। करेंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। एमपी गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट के हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, सारे एग्जामों में करंट अफेयर्स परफेक्ट है। यहां से सब पूछे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। राखी बघेल जी सभी को गुड मॉर्निंग है, जल्दी आया करिए सभी लोग, है ना। चेन्नई, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। चेन्नई कहाँ की राजधानी बच्चे? तमिलनाडु के, ये तीनों तमिलनाडु के ही शहर हैं। कोलकाता कहाँ? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। इसका आंसर दें कमेंट बॉक्स में कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने रियर एडमिरल गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को भारत और पाकिस्तान में, कहा, जो भारत पाकिस्तान में हमेशा गर्मा गर्मी का माहौल चलते रहता ना, उसके लिए इसको किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, वह कहाँ से हैं? इनको बताएंगे गुइलेर्मो पाब्लो रियोस जी, जो हैं पाब्लो रियोस करके नाम आप लोग याद रखेंगे, यह कहां से हैं? कहां से हैं आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। बताइए जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया। जितेंद्र सिंह बघेल जी, उमा लोधी जी, श्रद्धा बघेल जी, तासु राजपूत जी, सीमा धाकड़ जी, शिवानी विश्वकर्मा जी, शिवपूजन सिलोहिया सिलोरिया जी, सभी के आंसर एकदम सही आ रहे हैं बच्चे। इसका क्या है? अर्जेंटीना है। बात करें इसका मुख्यालय कहां पर है बच्चे? इसका मुख्यालय कहां है? पाकिस्तान के इस्लामाबाद में है। कभी भी इसका मुख्यालय इंडिया नहीं लगा देना, कहां है? इस्लामाबाद पाकिस्तान में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। क्या 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। भारत इसका हमेशा से विरोधी रहा है, ठीक है, और इसकी स्थापना के लिए भी भारत ने ही इसकी स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से विनती की थी। चूंकि 1971 के भारत पाक युद्ध के समय में क्या हुआ बच्चे, कि इसने भारत के पक्ष में हमेशा से, ये भारत विरोधी रहा है, इसलिए भारत इसके विषय में अब हमेशा से संयुक्त राष्ट्र से कहता है कि इसे बंद कर दिया जाए, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, इसका मुख्यालय इस्लामाबाद पाकिस्तान में है, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। किस लिए हुई थी? ताकि जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं उनको यह अपनी रिपोर्ट सौंप सके कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जम्मू कश्मीर में हमेशा लड़ाइयां होती रहती हैं, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं हम।
संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड की स्थापना की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल मुद्रा के मामले में भारत किस स्थान पर है? बताइए कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, इसका नाम जरूर याद रखना बच्चे, है ना, व्यापार एवं विकास सम्मेलन के एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें डिजिटल मुद्रा के मामले में भारत किस स्थान पर है? 7.3% भारतीयों के पास डिजिटल मुद्रा है बच्चे, याद रखना डिजिटल मुद्रा वह है जो आप बहुत बढ़िया। इसका आंसर दें सभी लोग, बहुत बढ़िया, शिवानी विश्वकर्मा जी, शिव पूजन सिलोरिया जी, नीलम यादव जी, सभी के एकदम सही आंसर हैं। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसके, आप लोग यहां बैठ के आंसर नहीं दे पा रहे हैं, वहां लोग तिरंगा लेके रोड में घूम रहे हैं इसने गिरते पानी में। आपको पढ़ के आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाइए कि खुद एक तिरंगा एक कार्यालय में सबसे ऊंचा नाम रहे आपका, तिरंगा फहरा हो आप, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, सातवें स्थान पर भारत का स्थान है बच्चे, ठीक है। सोचिए अमेरिका भी इससे पीछे है, पहले नंबर में कौन सा है जहां की अभी क्या बहुत युद्ध चल रहा है? यूक्रेन। कौन है बच्चे? यूक्रेन पहले नंबर पर है, याद रखना इसमें अगर पूछ ले कि अंकटाट की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। अभी यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है ना, यू न्यूज में है, इसलिए यूक्रेन को याद रख लेना। सातवें नंबर पर भारत है। डिजिटल मुद्रा क्या होती है आप लोगों को कल भी बहुत अच्छे से समझाया था मैंने। चलिए अगला हम देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 12 अगस्त 2022 को स्माइल 75 पहल शुरू की गई है? इसका आंसर दें कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी सभी बच्चे, कॉम्पिटिशन की भावना रखें, जोश रखिए अपने अंदर, ठीक है, जोश के साथ आंसर दें सभी बच्चे, इसका आंसर दीजिए कि क्या होगा। बहुत बढ़िया शिव पूजन सिलोरिया जी, ऐसे ही पढ़ते जाइए, इसका आंसर दें। बहुत बढ़िया, नीलम यादव जी, शिवानी विश्वकर्मा जी, जितेंद्र कुमार बघेल जी, सभी के सही आंसर आ रहे हैं बच्चे, ऐसे ही रिवीजन करके आया करिए आप डेली, ठीक है। उमा लोधी जी, एक बार शेयर जरूर करना ना भूलें, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप मोबाइल में यूज़ करते हैं, जैसे कि हो गया इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, है ना, टेलीग्राम, इनमें शेयर जरूर कर दें। जो बच्चे नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाने के कारण उठ नहीं पाते हैं वह भी आ जाएंगे। तासु राजपूत जी, उमा लोधी जी, सभी के सही आंसर हैं बच्चे, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। बताइए कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, बताएं आप लोग। कानून एवं न्याय मंत्री की बात करें तो किरण रिजिजू हैं बच्चे, कौन है? किरण रिजिजू। बात करें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास है बच्चे, जल्दी से बताइए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास है? अनुराग ठाकुर। किसके पास बच्चे? अनुराग ठाकुर। बताइए नागरिक विमानन मंत्रालय किसके पास है? मध्य प्रदेश से है ये, बताइए इनका नाम कि नागरिक विमानन मंत्रालय किसके पास है? बहुत बढ़िया, आप लोग बताएं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? ये तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है ना, किसके पास है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। चलिए अगला देखते हैं, भारत की भवानी देवी, है ना, भारत की भवानी देवी 10 अगस्त 2022 को राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2022 में सीनियर महिला कृपाण व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है बच्चे, याद रखना इनका नाम भवानी देवी, तलवारबाजी चैंपियनशिप। तो ये जो चैंपियनशिप है बच्चे कहां पर हुई थी, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, बताइए कि ये चैंपियनशिप कहां पर हुई थी, जल्दी से बताएंगे, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर जो बताएगा वो वाकई में पढ़ रहा है, इसका आंसर जो बताएगा वाकई में वो पढ़ रहा है, क्योंकि इसमें क्या है मैंने ऑप्शन में ही नहीं रखा है जो है आंसर, ठीक है।
जबरदस्ती ए देते जा रहे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया शिव पूजन सिलोरिया जी, आपका आंसर सिर्फ सही है, ठीक है, बाकी कोई किसी का भी आंसर सही नहीं है। बर्मिंघम नहीं है, रिवीजन करिए, ऑप्शन पे डिपेंड मत रहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में ना हाथ पैर कांपते हैं, है ना, जब वहाँ एंटर होते हैं बच्चे तो आधी सी चीज़ें तो वैसे ही भूल जाते हैं, इसलिए रिवीजन करिए, रिवीजन बार बार करिए, कम पढ़िए अच्छा पढ़िए। यहाँ आएगा लंदन, क्या आएगा, लंदन आएगा, ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा, लंदन। कहाँ हुई थी ये, लंदन में हुई थी। पूजा बघेल जी, उमा लोधी जी, बर्मिंघम नहीं है, बर्मिंघम नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूँ, ऑप्शन पे डिपेंड मत रहिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर दीजिए कि राष्ट्रीय टीम के कप्तान सुनील छेत्री। दो हजार इक्कीस बाईस सत्र के लिए क्या ही पूछूं इसमें। चलिए महिला का नाम बताइए आप लोग, इसमें तो क्वेश्चन का आंसर ही है, महिला का नाम बताइए। मनीषा कुछ है, तो इसमें सुनील छेत्री जो है बच्चे, उनको दिया गया है, क्या दिया गया है, 2021 22 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का जो सम्मान मिलता है वह किसे दिया गया है, किसे चुना गया है, तो सुनील छेत्री को चुना गया है। महिला में चुना गया है बच्चे, मनीषा कल्याण को चुना गया है, किसको, मनीषा कल्याण को चुना गया है, किसे चुना गया है, मनीषा कल्याण को चुना गया है। बहुत बढ़िया, शिवानी विश्वकर्मा जी, एवी जी, उमा लोधी जी, सभी सही आंसर दे रहे हैं। चलिए हाल ही में 600 टी20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्रिकेट सबका बहुत प्रिय गेम होता है, तो इसका आंसर भी कोई गलत नहीं देगा, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, जिसने रिवीजन नहीं भी करा है वह भी इसका आंसर दे सकता है। जल्दी बताइए कि किसने 600 टी20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शिवानी विश्वकर्मा जी, शिव पूजन सिलोरिया जी, पूजा बघेल जी, पूजा श्रीवास्तव जी, नितेश नवारे जी, गलत है आपका, रिवीजन करके आइए। तासु राजपूत जी, पवन कुमार सेन जी, तासु राजपूत, सभी के सही आंसर बच्चे केरोन पोलार्ड, है ना, कहाँ के क्रिकेटर हैं ये, वेस्ट इंडीज के। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है ये तीनों क्रिकेटर कहाँ के हैं, वेस्ट इंडीज के, इनको तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, इनसे इंस्पायर होइए, क्या होइए, इनसे सीखिए। जब ये क्रिकेट खेलना स्टार्ट किए थे ना, तो एक क्रिकेट मैच में ये खेल रहे थे, उस दौरान इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, तब इनको बताया जाता है अपनी टीम के साथियों के द्वारा कि आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है, इन्हें एम्पायर भी कहता है कि आप चले जाइए, ठीक है, लेकिन ये कहते हैं कि मैं खेलता रहूंगा, जो हो गया है वो हो गया है, उसको आने वाले कल मैं देखूंगा, अभी तुरंत में मैं खेलूंगा। समय ऐसा आया कि एम्पायर ने इनको क्या कर दिया, गलत आउट दे दिया, और फिर इन्हें जबरदस्ती बाहर पहुंचाना पड़ा, क्योंकि वो परिस्थितियां बहुत गमगीन थीं। आप सोचिए कि जिसके पिताजी का देहांत हो गया हो, वो बच्चा क्रिकेट की फील्ड में, तो वैसे ही हर कोई विराट कोहली थोड़ी बनता है, विराट कोहली बनने के लिए तपस्वी बनना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है बच्चे, वैसे ही आपको इतने बड़े पद पर भारत देश का, क्या बोलते हैं, भारत देश का क्या बोलेंगे, भारत देश का नेतृत्व करने को नहीं मिलता, है ना, तो बहुत मेहनत लगती है यहाँ तक पहुँचने के लिए, वैसे ही आप भी कुछ करिए जिससे कि आप लोग बड़े पदों में पहुँच सकें और अपने देश का नाम सम्मान के साथ ले सकें, ठीक है, अपने देश का गौरव बढ़ा सकें। अब हमारे करंट अफेयर्स के कल के क्वेश्चन समाप्त होते हैं,
आज का करंट अफेयर्स हम देखते हैं, कल संडे था, उतने करंट अफेयर्स आते नहीं हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव के कारण भी करंट अफेयर्स के ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं बच्चे, तो जितने क्वेश्चन हैं आप लोग देखिए, ठीक है। फिर भी बहुत कोशिश करता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, पूरे सप्ताह भर की चीज़ें फिर से ढूंढ के लाता हूँ कि कोई क्वेश्चन ना छूटे, तो कभी कहीं कहीं दूसरे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कब, कल है ना, यहाँ कल है, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अभी दो दिन पहले बताया था, बताइए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने क्या किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री प्रकाश कुमार सिंह से, प्रकाश कुमार सिंह से मुलाकात कर, कोविशील्ड वैक्सीन है ना बच्चे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ही बनाई गई है, सभी ने वैक्सीन लगवा ली होगी, तो कार्वोवैक्स वैक्सीन एक बूस्टर डोज आया है, सभी बच्चे जरूर लगवाएंगे, कौन सी, कार्वोवैक्स करके एक वैक्सीन है, ठीक है, इसका बूस्टर डोज लगवा लीजिए, जिसने भी कोविशील्ड या कोवैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं। तो कोविशील्ड वैक्सीन के संबंध में प्रकाशित विशेष पुस्तक कौन सी, इस पुस्तक का नाम याद रखना, द सील्ड कोविशील्ड, द सील्ड कोविशील्ड पुस्तक का नाम याद रखना, भेंट की है, इसका प्रकाशन किसने किया था, अमित शाह ने किया था, जो हमारे गृह मंत्री हैं, इसलिए इनका नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे कि इस पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था या विमोचन किसने किया था, तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था, एक बार शेयर करना ना भूलें सभी बच्चे, ठीक है। चलिए तो अमित शाह के द्वारा कौन सी पुस्तक है बच्चे, द सील्ड कोविशील्ड, इसका नाम बोले मेरे साथ, दोहराएं एक बार, द सील्ड कोविशील्ड, बोलिए द सील्ड कोविशील्ड, है ना, किसके द्वारा, अमित शाह के द्वारा विमोचन किया गया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेंट की गई, ठीक है। चलिए पर्यटन संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री है ना, मध्य प्रदेश की हैं ये, पर्यटन मंत्री हैं, सांस्कृतिक और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री हैं, कौन है, उषा ठाकुर बच्चे, कौन, उषा ठाकुर, मध्य प्रदेश का मंत्रालय भी पढ़ाऊंगा एक दिन पूरा मध्य प्रदेश का मंत्रालय, जो भी मध्य प्रदेश में मंत्री हैं है ना, सबको पढ़ाएंगे एक दिन, ठीक है। चलिए तो उषा ठाकुर पर्यटकों को रोमांचक यात्रा का अनुभव देने के लिए भोपाल जबलपुर जनशताब्दी एक्सप्रेस, इसका नाम याद रखेंगे कि किस एक्सप्रेस में चलाया गया था, तो भोपाल जबलपुर जनशताब्दी एक्सप्रेस बच्चे में विस्टाडोम कोच का शुभारंभ करेंगी, कौन से, विस्टाडोम कोच, अब बताइए कि विस्टाडोम कोच होते क्या है, विस्टाडोम कोच का शुभारंभ करेंगी मंत्री सुश्री ठाकुर, कब करेंगी, 16 अगस्त को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, बंसल ग्रुप के द्वारा यह रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है ना, बंसल ग्रुप के द्वारा इस रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। तो विस्टाडोम कोच कैसे होते हैं बच्चे, ये पर्यटकों को घूमने के लिए होते हैं, मड़ई वन्यजीव क्षेत्र अभ्यारण्य जो है ना होशंगाबाद में, वहाँ से होते हुए जो भी पर्यटक इन स्थलों को 64 योगिनी मंदिर जबलपुर इन स्थलों में होते हुए गुजरेगी ट्रेन, तो बहुत बढ़िया, तो क्या है कि विस्टाडोम कोच ऐसी सर्व सुविधा युक्त होते हैं जिनमें एक बड़ा सा ग्लास लगा होता है जिससे कि आप आसानी से बाहर देख सकें और अपने पर्यटक स्थलों को देखकर आनंद ले सकें, है ना। चलिए बात करें हम, भारत में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है, कब, 14 अगस्त को, इसकी घोषणा कब की गई थी बच्चे, इसकी घोषणा की गई थी 2021 में 14 अगस्त को मनाने के लिए, ठीक है। तो विभाजन विभीषिका दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 अगस्त के दिन ही क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान अलग अलग एक देश बने थे, ठीक है। तो उसकी याद के लिए 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत क्या मनाएगा, विभाजन विभीषिका दिवस मनाएगा 14 अगस्त को, ठीक है। पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है कब, 14 अगस्त को, ठीक है, बहुत बढ़िया, शेयर कर दीजिए एक बार, गुड मॉर्निंग, जल्दी आया करिए, रिवीजन हो गया तब आप लोग आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि पीएम मोदी ने पिछले साल यानी कब, 2021 में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के लिए ऐलान किया था बच्चे, ठीक है। चलिए जोश कम हो रहा है आप लोगों का क्या, चलो थोड़ी देर से एक बहुत बढ़िया देशभक्ति
बताएंगे। 15 अगस्त को अमेरिका के सैन डियोगो, कहां? अमेरिका में एक सैन डियोगो बंदरगाह है बच्चे, ये इसका नाम याद रखेंगे, सैन डियोगो बंदरगाह है। यूएस का नेवी बेस है ना, कैंप जो रहते हैं। पर राष्ट्र के लिए उनके बलिदानों की याद के रूप में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के 75 दिग्गजों को, कितने? 75 दिग्गजों की याद में समर्पित भारतीय नौसेना जहाज, इसका नाम जरूर याद रखेंगे। इस जहाज का मैंने खुद को एग्जाम दिया है, उस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि यह जहाज आया था या वहां गया था, तो उस जहाज का नाम बताइए। तो इसका नाम क्या है? आईएनएस सतपुड़ा 75, आईएनएस सतपुड़ा 75 लैब। यह जहाज जो है बच्चे अमेरिका के सैन डियागो में आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वहां पर क्या करेगा? झंडा फहराएगा और आजादी के अमृत महोत्सव के लिए 75 जो दिग्गज हैं उनकी कहानियां प्रस्तुत करेगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए अगला देखते हैं हम कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022, आप लोग पिछले कुछ सालों में देखते होंगे बच्चे कि धर्मांतरण किया जाता था बहुत ही तेजी से, है ना। अब इसके लिए हिमाचल सभी सरकारों ने अपने अपने क्षेत्र में एक विधेयक लाना चालू कर दिया है जिससे कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी अगर जो ऐसा करेंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने सबसे पहले यह किया बच्चे कि शनिवार को हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक, क्या? धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। ठीक है, यह सामूहिक धर्मांतरण की मनाही करता है, धर्मांतरण की मनाही करता है यह विधेयक। जय हिंद सभी को। एम के बघेल जी जल्दी आया करिए। यह क्या करता है बच्चे? सामूहिक धर्मांतरण की मनाही करता है और बल या प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन के खिलाफ अपने 2019 के कानून में अधिकतम सजा को 10 साल के लिए बढ़ा देता है ना, 10 साल की कैद कर देता है बच्चे। जो भी धर्मांतरण वाले लोग रहते हैं उनको अगर कोई धर्मांतरण के लिए किसी को प्रेरित करता है तो उनको क्या कराया जाएगा? 10 साल की सजा दी जाएगी। ऐसा हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक विधेयक पारित किया है। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम देखें कि जो कार्बेट टाइगर रिजर्व है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें बच्चे, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रिजर्व में उत्तराखंड पर्यटन विभाग मोदी सर्किट विकसित करने की योजना बना रहा है। मेरे साथ एक बार बोलेंगे बच्चे, किस राष्ट्रीय उद्यान में मोदी सर्किट बनाया जा रहा है? मेरे साथ बोलें एक बार, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, है ना। कहाँ बच्चे? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे हम तो भारत ही नहीं बल्कि एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है बच्चे। कौन सा? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है, जो भारत का ही नहीं एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। कभी आपके एग्जाम में आ जाए तो जरूर लगाना कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसका जो पुराना नाम था बच्चे राम गंगा नेशनल पार्क था, का क्या था? राम गंगा नेशनल पार्क था। ठीक है, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी बच्चे, याद रख लेंगे आप लोग, स्थापना जो है 1936 में हुई थी, है ना। बात करें 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का पहला बाघ संरक्षण पार्क घोषित किया गया था। कब? 1 नवंबर नेशनल पार्क। बहुत बढ़िया एम के बघेल जी, शुभम बघेल जी सभी नहीं है, खूब मेहनत करिए। ठीक है, तो 1 नवंबर 1973 को इसे भारत का पहला बाघ संरक्षण पार्क घोषित किया गया था। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहला राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी बच्चे। इसका पुराना नाम राम गंगा नेशनल पार्क है, रेलवेज के एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब हम उत्तराखंड के कुछ राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में देख लेते हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कौन कौन से? गंगोत्री, राजा जी, नंदा देवी, गोविंद, फूलों की घाटी। मेरे साथ बोलेंगे सभी बच्चे एक बार, जो जहां बैठा वहीं पर दोहराएं मेरे साथ, जय श्री महाकाल, जय हिंद जय हिंद।
गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी। बोलिए मेरे साथ, गंगोत्री, राजा जी, नंदा देवी, गोविंद, फूलों की घाटी। गंगोत्री, राजा जी, नंदा देवी, गोविंद और फूलों की घाटी। बच्चे ठीक है, चलिए। इजराइल ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है ना? इजराइल ने क्या किया है बच्चे? दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, जिसके लिए ना तो किसी स्पर्म और एग की जरूरत पड़ी और ना ही इसे पालने के लिए कोई कोख चाहिए। भ्रूण बन चुका है और उसकी दिल भी धड़कना शुरू हो गया है, इसकी पूंछ भी आ गई है बच्चे। ये भ्रूण किसका है? एक चूहे का है बच्चे, याद रखिए। अभी तक इसकी सिर्फ कल्पना की जाती थी, ये इजराइल के वैज्ञानिकों ने करके दिखाया है कि इजराइल ने दुनिया का जो है पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है बच्चे, है ना? जरूरत पड़ी और ना ही इसे स्पर्म और एग की जरूरत पड़ी, पालने के लिए किसी कोख की भी इसे जरूरत नहीं पड़ी, है ना? भ्रूण बन चुका है और उसका दिल भी धड़कना शुरू हो गया है, इसकी पूंछ भी आने लगी है और इसका दिमाग भी विकसित होने लगा है बच्चे। तो ये जरूर याद रखेंगे, कृत्रिम भ्रूण किस देश ने तैयार किया है? तो किसने किया है? इसराइल ने किया है। और इसकी पूंछ बन रही है, यह भ्रूण किसका है? चूहे का है, याद रखना, आपके आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुओं को लंपी स्किन रोग से बचाव के लिए, किसने? नरेंद्र सिंह तोमर कौन है बच्चे? कृषि मंत्री हैं। अभी लंपी रोग जो किस में चल रहा है, बहुत सारे जानवरों में देखा गया है लंपी, तो उसमें बच्चे लंपी रोग के बचाव के लिए एक स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवैक, लंपी प्रो, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ डेली। लेकिन क्या हुआ है कि आज स्वतंत्रता दिवस है तो आपके आपको सारे अक्षर तिरंगे के रूप में दिखाई देंगे, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है, ठीक है? जैसा डेली हम करते हैं वैसा अब हाईलाइट कर दिया करेंगे, ठीक है? एक बार शेयर कर दें सभी बच्चे। तो कौन सी वैक्सीन है? लंपी प्रोवैक लॉन्च की है। यह वैक्सीन राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, नाम याद रखना, राष्ट्रीय। क्या हो रहा है इसमें बच्चे कि जानवर कुछ खा भी नहीं रहे हैं, उनके शरीर पे छोटे छोटे इतने बड़े बड़े दाने आ जा रहे हैं, यही एक लंपी है ना, वायरस है ये। चलिए, तो और कहाँ पर है ये अश्व अनुसंधान केंद्र? हिसार हरियाणा में है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली। बरेली कहाँ? उत्तर प्रदेश में, के सहयोग से इसे बनाया गया है। तो इस वैक्सीन का नाम आप लोग याद रखेंगे, लंपी प्रो बैक। क्या है बच्चे? लंपी प्रो बैक। मेरे साथ एक बार बोलेंगे, लंपी रोग के लिए कौन सी वैक्सीन तैयार की गई है? लंपी प्रो बैक वैक्सीन तैयार की गई है किसके द्वारा? अश्व अनुसंधान संस्थान, अश्व अनुसंधान संस्थान हरियाणा के द्वारा, जो हिसार में है ना? और कौन सा बच्चे? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है, ठीक है? बहुत बढ़िया। अगला देखें हम कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, है ना, ग्रामीण भी है और शहरी भी है, तो शहरी को बच्चे प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है उसको 31 दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कब तक के लिए बच्चे? 31 दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है ना, जारी रखने की मंजूरी दी गई है। सभी के लिए आवास प्रदान करने का यह अभियान कब चालू किया गया था? जून 2015 में यह अभियान चालू किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों हैं, तो शहरी को बच्चे कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? इसको 31 दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस अभियान की जो शुरुआत की गई थी, जून 2015 में इस अभियान की शुरुआत की गई थी, जो कब तक के लिए थी बच्चे? 2022 तक के लिए था, ठीक है? तो 2022 में अभी इसे 31 दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है ना? आपको नेटवर्क इशू आ रहा है, बताइए, वहां बार बार एक ही बात कहां तक बोलूं मैं? चलिए ठीक है,
अहमदाबाद विश्वविद्यालय के अमृत मोदी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर रामाधर सिंह को संयुक्त राज्य अमेरिका में सोसाइटी फॉर पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी के हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पर चिन्हित किया गया है ना। अहमदाबाद विश्वविद्यालय के अमृत मोदी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर कौन हैं? रामाधर सिंह हैं। रामाधर सिंह का नाम आप लोग याद रखेंगे, अहमदाबाद से हैं बच्चे, इनको साइकोलॉजी है ना या सोसाइटी फॉर पर्सनल एंड सोशल साइकोलॉजी की हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पर चिन्हित किया गया है। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे, रामाधर सिंह है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखें हम कि 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले बीटिंग द रिट्रीट समारोह, ये क्वेश्चन आने की संभावना है इसलिए मैंने आपके लिए लिया है। ठीक है, बीटिंग द रिट्रीट समारोह कहाँ मनाया जाता है? अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग लगाएंगे समारोह 14 अगस्त को। कब बच्चे? 14 अगस्त को अमृतसर पंजाब में, अटारी बाघा बॉर्डर कहाँ पर है? अगर एग्जाम में आता है, अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि वह बेसिक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहो हिस्ट्री ज्योग्राफी, बेसिक क्वेश्चन आएंगे। तो अटारी वाघा बॉर्डर कहाँ है? पंजाब में है, अमृतसर में। ठीक है, यहाँ पर कौन सा जो अपना स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर है ना, मतलब कि इससे पहले वाला जो शाम थी उसमें बीटिंग द रिट्रीट समारोह 14 अगस्त को अमृतसर पंजाब में अटारी वाघा सीमा पर आयोजित किया गया था, मतलब कल किया गया है बच्चे। ठीक है, चलिए अगला देखें कि वयोवृद्ध स्टॉक निवेशक, याद रखना इनका नाम, इनकी जीवनी भी बहुत इंस्पायर करने वाली है। इनसे ज्यादा तो किसकी है भाई, इनसे ज्यादा है धीरू भाई अंबानी की, ये तो थोड़ा ठीक ही परिवार से थे। ठीक है, वयोवृद्ध स्टॉक निवेशक, स्टॉक की बात हुई इसलिए धीरू भाई अंबानी का नाम ले दिया, निवेशक और हाल ही में लॉन्च हुए अकाशा एयर के संस्थापक। अकाशा एयर का नाम जरूर याद रखेंगे। नगर विमानन जो मंत्री हैं अपने बच्चे, कौन है नगर विमानन मंत्री? ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। उन्होंने अभी अकाशा एयर की जो है स्थापना हुई थी उसमें शामिल हुए थे ये ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, के संस्थापक राकेश झुंझुनवाला, हर कोई इनका नाम जरूर जानता होगा, भारत के बहुत बड़े स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले निवेशक थे ये। ठीक है, तो राकेश झुंझुनवाला का लंबी बीमारी के बाद रविवार की सुबह मुंबई में निधन हो गया। ठीक है, रविवार की सुबह कहाँ बच्चे? मुंबई में निधन हो गया है ना, कल 14 अगस्त को। एग्जाम में आ जाए तो लगा देना 14 अगस्त। ठीक है, कहाँ हो गया? मुंबई में इनका निधन हो गया। राकेश झुंझुनवाला नाम याद रखेंगे, इन्हें भारत का वॉरेन वफे के नाम से जाना जाता था। क्या? वॉरेन वफे के नाम से इन्हें जाना जाता था। ठीक है, क्यों जाना जाता था? वॉरेन वफे कौन है बच्चे? तो अमेरिका के एक बहुत बड़े निवेशक हैं जो 2006 के दौरान, कब? 2006 के दौरान विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। कौन? वॉरेन बफे। कहां से हैं? अमेरिका से। तो जो राकेश झुंझुनवाला हैं इन्हें भारत का वॉरेन बफे कहा जाता है, इन्हें बिग बुल के नाम से भी जाना जाता है बच्चे, आप लोग याद रखेंगे, बिग बुल के नाम से जाना जाता है, भारत का वॉरेन बफे कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, भारतीय सेना के हमलावर बेल्जियम मेलिनोइस डॉग एक्सेल। सोचिए कि एक डॉग भी भारत की रक्षा के लिए कितनी वो कर रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए, अगर आपकी आंख में आंसू ना आ जाए तो फिर कोई काम का जीवन नहीं है। ठीक है, बेल्जियम मेलिनोइस, मतलब आप गर्व से सीना चौड़ा हो जाना चाहिए कि भारत की भूमि में ऐसे ऐसे जानवर भी हैं, जानवर तो नहीं कहूँगा मैं, एक इंसानी रूप में उसने इतना अपने आप का बलिदान देके इस देश की धरती के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है ना। बेल्जियम मेलिनोइज डॉग एक्सेल, उस डॉग का नाम क्या है बच्चे? डॉग एक्सेल है ये, इसका नाम याद रखेंगे, एक्सेल डॉग है, को मरणोपरांत वीरता अवार्ड मेंशन इन डिस्पैचेस। ठीक है, ये अवार्ड किसको दिया गया है? उस डॉग को दिया गया है जो किसका है? सेना का डॉग था बच्चे।
31 जुलाई को जो बारामूला में वानीगाम है ना, 31 जुलाई को बारामूला के वानीगाम में जब भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने एक मकान में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, तो इसमें डॉग एक्सेल ने आतंकवादियों की लोकेशन पता लगाने में अपनी जान की कुर्बानी दे दी। क्या कर दी? अपनी जान की कुर्बानी दे दी। किसने? डॉग एक्सेल ने बच्चे, ठीक है। तो इसका नाम जरूर याद रखेंगे, इसे मेंशन इन डिस्पैचेस अवार्ड दिया जा रहा है मरणोपरांत दिया गया है कल, है ना, 14 अगस्त को। कल जो भी अवार्ड दिए गए हैं उनको मैं कल लेके आऊंगा आपके सामने, तो इसका नाम याद रखिए। ऐसा कुछ करिए बच्चे कि अपने देश की धरती के लिए वो डॉग शहीद हो गया, सोचिए अपने सैनिकों को बचाने के लिए, ठीक है। तो मेंशन इन डिस्पैचेस से नवाजा गया है, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। सभी लोग जाइए, बढ़िया झंडा फहराइए, थोड़ा देखिए, न्यूज़ देखिए, कुछ करंट अफेयर्स की चीज़ें अपने साथ शेयर किया करिए, है ना। बहुत बढ़िया बच्चे, चलिए जय हिंद सभी को। आज का सेशन हम समाप्त करते हैं यहाँ पर। आप सभी लोगों से उम्मीद है कि इसकी रिवीजन करके कल फिर से आएंगे, है ना। बहुत बढ़िया बच्चे, चलिए।